अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। टक्कर किससे मार रहे हैं आप? हमारी टक्कर किसी से मैं आए सभी मेहमानों से अनुरोध करता हूँ, जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो सम्मानित साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे भी जो माते चले आए हैं कृपया हमको स्थान देने का कष्ट करें। मोदी सरकार के आने के बाद में अच्छे दिन किसके आए? वही दिल्ली के अंदर आम आदमी कह रही है पूर्ण राज का दर्जा, आप क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी हमेशा से पहले दिन से झूठ बोलती आई है, पहले दिन से आप डे वन से देख लो किस चीज को लेके उन्होंने संगठन बनाया और संगठन से लोगों को बेवकूफ बना के वो सत्ता में आया, जिस पार्टी के हाथ पांव जोड़ रहे हैं उनसे गठबंधन करने के लिए सिर्फ किसी क्योंकि सत्ता पाने के लिए उनका दिल्ली है दिल्ली वालों को उनसे कोई लेना देना सत्ता से निश्चित तौर से लोकसभा में उनको भाग लोकसभा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? लोकसभा की जनता से बीजेपी सरकार से चाहता हूँ दुरुपयोग के खिलाफ वोट करें, बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाए, बहुजन समाज पार्टी के अगर सरकार बनते तो निश्चित तौर से कांग्रेस सरकार बनेगी। सबसे पहले हमने कांग्रेस का काम है विरोध करना तो पूरे देश का विरोध करते नारेबाजी। पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने मजबूत को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, पहले वो अपना मजबूत बताएं उसके बाद में देखेंगे, वो तो किसी का भी काबिल ही नहीं है कि किसी का विरोध कर सकते हमारा का विरोध। सर एक क्वेश्चन है, जो बीएसपी ने यहाँ पर दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, क्या यहाँ पर कितनी सीटें आपकी आ सकती है? बीएसपी सातों सीटों में पूरे दमखम से लड़ रही है, पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और जैसा जनता का हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित तौर पर इस बार दिल्ली ने बीएसपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जैसे देखा जाए तो यहाँ पर रैली होगी मायावती जी की? बिल्कुल होगी, पूरी दिल्ली में रैलियाँ मायावती दिल्ली में रैलियाँ हैं। और आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो बहुजन समाज पार्टी को आपका एजेंडा क्या है वोट करें? बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा पूरे देश को मालूम है, दिल्ली की जनता को भी मालूम है और उत्तर प्रदेश लोकसभा को तो निश्चित रूप से मालूम है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से सटी हुई है। यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलना चाहिए, जो लोगों का हक और अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है वो भी इन लोगों के पास नहीं है। कल मैं ऐसी ऐसी कॉलोनियों में गया कि जहाँ दो आदमी एक साथ मिलकर चल नहीं सकते, वहाँ पे साफ ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है, लेकिन लोगों ने इतना बुरा हाल कर रखा उसमें दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों ही शामिल। लेकिन दिल्ली की धरती पर भारत का संविधान जलाया गया, इसके बारे में आपका कोई प्रतिक्रिया क्या? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।